Dear students, let us cover lesson 8 of the Welcome Life today. The name of the chapter is Positive Thinking and Rational Behavior. Positive thinking kya hoti hai? Hame pata hai, jo ki progressive thinking hoti hai, jisme hum bigger picture ko dekhte hain aur negative khayalon ko nahi leke aate hain. Rational behavior kya hota hai? Logical behavior. जिसमें कि आप एक बेहतर जो है डिसीजन ले पाएँ, ठीक है ना, बेहतर बिहेवियर अपना पाएँ. रैशनल बिहेवियर एंड पॉजिटिव थिंकिंग. व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड रैशनल बिहेवियर? टू प्रमोट हैप्पीनेस इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि आपके माइंड में हैप्पीनेस जो है उसको आप प्रैक्टिस कर पाओ. अब बेटा, वी ऑल हैव अटेंडेड अ फुल सीरीज ऑन हैप्पीनेस, तो हमें पता है, वी नो प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हैप्पीनेस. लेकिन उसमें से एक लाइन मैं रिपीट करना चाहूँगी. हमें पता है अब तक दैट हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, और कभी कभी हैप्पीनेस हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. यू नो, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता लाइफ में, वी कल्टिवेट अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. तो चाहे लाइफ में कितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हों, चाहे हम कितने भी वी आर फॉर्चुनेट एंड वी हैव एवरीथिंग इन लाइफ, स्टिल वी कैन फील वेरी नेगेटिव एंड वी कैन हैव वेरी इरेशनल फियर्स, ठीक है ना. तो इसीलिए हैप्पीनेस को कभी कभी हमें खुद के माइंड में प्रमोट करना पड़ता है. अपने आप को हैप्पी सोचना पड़ता है, दैट आई एम हैप्पी, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड इम्पैक्ट इन ऑन आवर माइंड. तो पहला पॉइंट क्या है? टू प्रमोट हैप्पीनेस एंड टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अडाप्ट लॉजिकल और पॉजिटिव एटीट्यूड. लॉजिकल, रैशनल, पॉजिटिव, ऑल दीज आर द सेम थिंग्स. एंड टू डिवेलप रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच इन स्टूडेंट्स. नाउ, इफ़ आवर लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेज, द रोजेज शुड emanate from positive thinking and rational behavior. The key to success is to do the most difficult work with positive approach. तो लाइफ में किसी की भी लाइफ बेड ऑफ रोजेज नहीं होती है, ठीक है ना. एंड अगर कहते हैं है भी, तो वो कहाँ से होनी चाहिए? वेन वी हैव पॉजिटिव थिंकिंग, देन नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट आवर पाथ इज, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग से ही जो हमें ज़िंदगी आसान लगती है, बेड ऑफ रोजेज लगती है, ठीक है. तो अप्रोच हमारी कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारी लाइफ में हम कितना खुश रह पाते हैं. टू शन नेगेटिविटी, टू शन मीन्स टू अवॉइड नेगेटिविटी, एंड टू अडॉप्ट पॉजिटिविटी इज़ द वे टू हैप्पी लिविंग. नाउ here we have an activity. So हमारे पास कुछ situations हैं और उसके तीन reactions हैं. अब आपको बड़े honestly खुद को जवाब देना है कि अगर आपके सामने एक situation आती है, जैसे कि if you see an accident on the road, आप कहीं आज जा रहे हो and वहाँ आपको road पे accident होता दिखता है, तो आपका इन तीनों में से कौन सा reaction होगा? Number one, you will get confused, or you will help that person who met with an accident, or you will call someone to help. So, three of us, what approach will be followed by you? Someone tries to allure you through superstitious tales. So, अगर आपको कोई ऐसे ही कोई वहम की या कोई superstition क्या होता है, जब आप किसी चीज़ का कोई valid थियोरी नहीं है, रीज़न नहीं है, लेकिन आपको कोई ऐसी सुपरस्टिशियस बात बताता है और आपको उससे अलोर मीन्स आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है उसकी तरफ, आपकी आप मान जाओ, यू विल ट्रस्ट हिम एट वंस, तो आप उसको उसी बात को मान लोगे, या फिर आप लॉजिकली रैशनली सोचोगे कि क्या इस बात की कोई सेंस बनती है, क्या ये सच हो सकती है, या फिर यू विल अवॉइड द सिचुएशन, यू विल कम्प्लीटली अवॉइड टॉकिंग टू दैट पर्सन और लिसनिंग टू दैट पर्सन. सो व्हाट इज़ योर आंसर? टिक, यू विल टिक ऑन द राइट ऑप्शन, व्हाटएवर इज़ सूटेबल फॉर यू.
इसके अलावा यू फॉल इल बिफोर द एग्ज़ाम, बीमार हो गए आप एग्ज़ाम से पहले, यू विल अवॉइड द एग्ज़ाम। तो आप, क्योंकि आप बीमार हो, आपके पास एक रीज़न है, तो आप एग्ज़ाम जो है वो नहीं दोगे। या फिर यू विल टेक द एग्ज़ाम विद फुल डिटर्मिनेशन, येस यू आर इल बट एग्ज़ाम जो है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, यू विल टेक इट सीरियसली एंड उसको यू अटेम्प्ट करोगे। या फिर यू विल इंडल्ज योर सेल्फ इन कॉपिंग और चीटिंग, पेपर तो देना ही है बट आप बीमार हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक द हेल्प ऑफ चीटिंग। तो ये भी आपने ऑनेस्टली आंसर करना है खुद के लिए, ताकि आप खुद को इवेल्युएट कर पाओ। द फोर्थ सिचुएशन इज यू हैव मिस्ड एनविजाज्ड गोल। तो आपने कुछ इन्विजन किया था, कुछ सोचा था, आपका कोई गोल था, एम्बिशन था, लेकिन आपने मिस कर दिया, यू कुड नॉट अचीव इट, यू विल लूज हार्ट। तो दिल छोटा करके बैठ जाओगे, या फिर यू विल वर्क हार्ड टू अचीव द गोल, यू विल स्टिल वर्क हार्ड, चाहे अभी एक बार आप नाकामयाब हुए, आप दोबारा करोगे। या फिर यू विल अडॉप्ट अनफेयर मीन, तो सीधे तरीके से तो हुआ नहीं वो काम, यू विल ट्राई कि किसी उल्टे तरीके से, किसी अनफेयर तरीके से कर लो। फिफ्थ सिचुएशन इज़ योर फ्रेंड इज़ इन ट्रबल, कोई मुसीबत आ गई आपके दोस्त पे, यू विल इग्नोर हिम बिकॉज अब तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप इग्नोर कर दोगे या फिर हेल्प करोगे रेडिली, या फिर मेक फ्लिमजी एक्सक्यूजेस। फ्लिमजी क्या होता है, मतलब फ्लिमजी एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ वीक। तो यहाँ पे फ्लिमजी मीन्स मतलब ऐसे कुछ भी बहाना लगा दोगे, कोई ट्रिवियल सा बहाना बना दोगे, ठीक है, कि नहीं मैं तो आई कॉन्ट हेल्प, योर क्लासमेट इज़ वीक इन अ सब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, क्योंकि जो वीक है उसको तो, उससे तो आपको क्या ही फ़ायदा होगा। या फिर यू विल हेल्प द फ्रेंड टू इम्प्रूव इन दैट सब्जेक्ट, इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और यू विल मेक अ फूल ऑफ हिम, या फिर उसका मजाक उड़ाओगे कि तुम्हें तो ये भी नहीं आता है। एंड द लास्ट सिचुएशन इज़ योर क्लास फेलो एक्सेल्स यू, ठीक है, तो आपका जो क्लास फेलो है वो आपसे बेटर है, आपकी ही कोई क्लासमेट आपसे बेटर है किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में या पढ़ाई में ओवरऑल, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, यू विल फील जेलस ऑफ द क्लासमेट, आपको जेलसी होगी उससे, और यू विल ट्राई टू एक्सेल लाइक, तो आप एमुलेट करना चाहोगे, आप उसको उसी की तरह बनने के लिए आप भी वैसे ही एक्सेल करोगे, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, यू विल नॉट रिएक्ट एट ऑल, इट डजेंट मैटर। सो दीज आर सम ऑप्शंस, आपको बड़े ध्यान से इसको सोचना है, पॉन्डर, डीपली पॉन्डर ओवर दीज क्वेश्चंस, दीज सिचुएशन एंड आंसर देम, ठीक है। अब इसके बाद व्हेन वंस यू आर डन आंसरिंग दिस, द सेकंड एक्टिविटी इज अ स्टूडेंट हैज़ मच इंटरेस्ट इन स्टडीज, एक बच्चे को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन उसके पास ना तो पैसे हैं या फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है जिससे कि वो पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, परस्यू कर पाए। ही फाइंड्स दैट ऑल द किड्स इन हिज सराउंडिंग्स आर एंगेज्ड इन स्टडीज एंड दिस मोटिवेट्स हिम, ही गैदर्स करेज एंड डिटर्मिनेशन टू गो अहेड विद हिज स्टडीज लाइक अदर्स, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट, हाउ विल यू हेल्प हिम इन द गिविंग सिचुएशन। तो ये सिचुएशन आपके सामने है, इसमें आप क्या करोगे, इन फोर ऑप्शंस में से क्या करोगे, यू विल सीक हेल्प और कोऑपरेशन फ्रॉम द टीचर, तो अपनी हेल्प अपने टीचर से बात करोगे उस बच्चे के बारे में, ठीक है, और आप रिक्वेस्ट करोगे इनको कि क्या वो इसकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर टू, हेल्प द स्टूडेंट योर सेल्फ, आप खुद से उसकी हेल्प करोगे जैसे भी आप कर पाओ। नंबर थ्री, सीक फंड्स फ्रॉम क्लासमेट्स फॉर हिज फी, या फिर आप कलेक्शन कर लोगे पैसों की अपने क्लास में से, और यू विल इनकरेज हिम टू रेज फंड्स बाय यूजिंग सम लेबर हिमसेल्फ, या फिर आप उसको इनकरेज करोगे कि यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम एंड वो साइड बाय साइड कोई जॉब कर ले या कोई काम कर ले जिससे कि वो फी पे करने लायक हो जाए। सो विच ऑफ द अबव मेंशनड ऑप्शंस विल यू अडॉप्ट एंड व्हाई,
तो इनमें से कौन सा करोगे, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अप्रोच है, यू विल राइट इट डाउन एंड यू विल ऑल्सो राइट वाई, क्यों आपको आप उस अप्रोच को यूज़ करने के लिए मोटिवेट हुए, ठीक है। एंड आपको मैं एक और थर्ड एक्टिविटी दे रही हूँ, इसमें आपको क्या करना है, जस्ट इमेजिन दैट योर फ्रेंड इज़ वॉचिंग टीवी एट हिज होम एंड गेट्स अपसेट विद न्यूज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स। तो वॉचिंग न्यूज़ दीज डेज कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग, है ना, तो बड़ी सारी तरह की न्यूज़ आती हैं तो कई बार आपको डिप्रेस भी कर देती हैं, वो अपसेट भी कर देती हैं। तो ऐसे ही आप की एक फ्रेंड टीवी देख रही थी और वो अपसेट हो गई। नाउ यू ट्राई टू ब्रिंग हिम टू द पॉइंट दैट न्यूज़ इज़ समटाइम्स मिसलीडिंग और एग्जैजरेटेड एंड दैट शी शुड ड्राइव अवे ऑल द नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम हर माइंड बट ऑल इन वेन। वॉट विल यू डू इन दिस सिचुएशन, क्या करोगे आप, ठीक है। सो अब बेटा देखो, ऐसा है, न्यूज़ सुन के कुछ किया तो जा नहीं सकता, अब वो तो कई बार एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के, तो कई बार उतनी चीज़ होती भी नहीं और ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया होता है, या फिर कई बार मिसलीडिंग भी होती है, सिर्फ एक ही पहलू दिखा रहे होते हैं वो, ठीक है। एनी वे, इन एनी सिचुएशन, किसी चीज़ को देख के उदास हो जाना, उस चीज़ का कोई हल तो होता नहीं, बिकॉज इसका कोई रिज़ल्ट तो नहीं मिलता, या तो उसके बारे में कुछ किया जाए, देन वो सैडनेस शायद थोड़ी हेल्पफुल हो, काम की भी हो, लेकिन सिर्फ इस तरह से अपसेट हो जाना डजंट हेल्प यू इन एनी वे। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यू विल कंसोल द फ्रेंड, आप उसको दिलासा दोगे, समझाओगे, यू विल सजेस्ट पॉजिटिव थिंकिंग, यू विल आस्क हर टू बी पॉजिटिव, कि चलो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, लाइफ में, दुनिया में, पॉजिटिव भी तो हो रही हैं, तो यू विल ट्राई टू मेक हर थिंक अबाउट दोज थिंग्स, और यू विल सजेस्ट डिस्टेंसिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, या फिर आप बोलोगे या टीवी या फिर सोशल मीडिया देखना थोड़ा कम कर दो या बंद कर दो, तो उससे तुम अलग कर लोगे, इन चीज़ें बंद तो नहीं हो जाएंगे लेकिन तुम्हें नहीं दिखेंगी, तो यू कैन डू दैट। और यू विल इनकलकेट पॉजिटिव थॉट्स इन योर फ्रेंड, तो आप उसको, यू विल टीच हर हाउ टू इनकलकेट, इनकलकेट मीन हाउ टू इनकॉर्पोरेट पॉजिटिव थिंकिंग इन लाइफ। एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज यू विल अबैंडन योर फ्रेंड इन दिस ग्लूमी स्टेट, अबैंडन मीन्स टू लीव समवन, ग्लूमी मीन्स सैड, तो ये बड़ी सैड सी सिचुएशन है, अब मज़ा नहीं आएगा उसके साथ खेलने का आपको, तो आपके काम की तो है नहीं वो इस टाइम पे, तो इस सैड स्टेट में, इस सैड हालत में आप उसको छोड़ दोगे कि जब खुद ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाएगी मेरे पास। तो दीज आर अ फ्यू सिचुएशंस, आपको लिखना है कि आप इनमें से क्या करोगे। सो दीज आर द थ्री एक्टिविटीज़ अंडर दिस चैप्टर बेटा, दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग एंड रैशनल बिहेवियर। तो इन सबको आप सॉल्व करोगे बुक पे और अपने जो भी आंसर हैं सबको जो सही लगता है वो लिखेंगे, एंड देन लेटर ऑन इट कैन बी इवेल्यूएटेड। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे।